भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा गुजराती सेल द्वारा मुंबई स्थित मलाड वेस्ट श्री महावीर क्लिनिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा की 4 हफ्ता मना रही रूपा भावेश दोषी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती और सेवा हफ्ता के अंतर्गत भावेश दोषी के नेतृत्व में ENT डॉक्टर द्वारा निःशुल्क में जाँच किया गया। कान का श्रवण यंत्र मशीन कम दाम में लोगों के लिए उपलब्ध किया गया। श्रवण यंत्र मशीन जिसका मार्केट मूल्य करीब 9,000 रुपया है कि वो केवल 500 रुपये में उपलब्ध किया गया। यह पूरा कार्यक्रम मलाड विधानसभा अध्यक्ष भावित दोषी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत साल और फूल गुच्छ दे के भावित दोषी ने किया। इस दौरान उपस्थित रहे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और कई पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था रूपा दोषी, भावित दोषी और आए हुए अतिथियों का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर भावेश जोशी जी के द्वारा इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मलाड भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे सुनील कोहली जी और भावेश दोषी ये गुजराती सेल के माध्यम से बड़े पैमाने पे काम करते रहते हैं। भावेश दोषी इस प्रकार के सब काम करते हैं, सुनील कोहली जी रत्नात्मक डेवलपमेंट के काम करते हैं। कुल मिलकर मलाड का चेहरा बदल रहा है, मलाड का नक्शा बदल रहा है और ये हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीख दी। उस सीख को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया और उनके जन्मदिवस के अवसर पर जो ये सेवा सप्ताह शुरू हमने की आज लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, ये आज का ये चरण का काम हम पूरा करेंगे। कल से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लग जाएंगे। समाज की जितनी भी सेवा हमसे हो सके उतना करने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। सर, गांधी जयंती की क्या शुभकामना देना चाहेंगे? महात्मा गांधी जी ने देश को ही नहीं तो पूरे दुनिया को एक सीख दी है और उनके विचारों को लेकर चाहे फिर अपने देश के लोग हो या तो विदेश के लोग हो, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। प्रामाणिकता से काम कैसे करने का, अपने आप को किस तरह से झोंक देने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई किस प्रकार की लड़ने की, ये सारी सीख हमको महात्मा गांधी जी ने दी है। मैं मानता हूँ कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर फिर एक बार उसका रिनिवेशन करके उसको अंगीकार करते हुए समाज में और बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। आज 2 तारीख तक जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ये कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, आप किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं को देखते हो? मैं उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं के बारे में मैं इतना कहूँगा कि मैं जितना आज एक्टिव हूँ उसका एक कारण ये भी है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, जगह जगह पर कार्यक्रम करते रहते हैं और वहाँ पर मुझे बुलाते रहते हैं तो मैं जाता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उत्तर मुंबई मुंबई में एक नंबर पर है और उसमें भी मलाड जैसा जो पिछड़ा हुआ एरिया था 2014 तक जहाँ पर हमारे एक भी नगर सेवक नहीं थे, आज हमारे 3 नगर सेवक है। आने वाले दिनों में सुनील कोहली जी के नेतृत्व में हम 5 की और छलांग लगाने वाले हैं। तो एक अच्छा काम गए 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में और एक सांसद के रूप में मैं खड़ा कर पाया हूँ, इसका मुझे समाधान है। काम सब खत्म हुआ क्या? तो नहीं खत्म हुआ, और भी बहुत काम है लेकिन करना है, हम करते रहेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम आपने, जैसे आपको मालूम है कि मोदी जी के जो सप्ताह सेवा सप्ताह का आयोजन था वैसे हम लोग ने इसको एक्सटेंड करके सेवा माह कर दिया, मतलब एक सप्ताह की जगह पे 4 सप्ताह कर दिया। तो उसमें गांधी जयंती भी आज है, लाल बहादुर जयंती भी है, तो उनके आदर्श और मूल्य को अपने को आगे बढ़ाना है और अहिंसा परमो धर्म, हमारा जैन, हम जैन भी है तो हमारा भी वही मूल्य है जीवन का और मानव सेवा इज़ द प्रभु सेवा है, तो उसको आगे बढ़ाना है। कान की जो मशीन है कितने लोगों को दी जाएगी और कितने? मैडम, ये कोई लिमिट हमने नहीं रखी थी और ये कान की मशीन हमारे माननीय सीनियर लीडर हमारे किरीट भाई सोमैया जी और नील भाई सोमैया जी के माध्यम से, युवा प्रतिष्ठा के माध्यम से हमको 500 रुपये में उपलब्ध की जाती है। 9,000 की मशीन है और उसमें कोई सीमा संख्या नहीं थी कि केवल 1,000 लोग को देना है, जितने लोग को चाहिए उतने को।
मिलती थी और हम लोग उसको और सब्सिडाइज करके 250 रुपये में दे रहे हैं। सर, जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसा काफी कार्यक्रम रखा जा रहा है, क्या लगता है कि आप गांधी जयंती पे कुछ ऐसा कार्यक्रम रखने वाले हैं जो कि सर आज वही इस करके हमने सेवा सप्ताह था उसको चार सप्ताह कर दिया, उसमें गांधी जी जयंती भी आ गई और वो भी हमारे एक आदर्श पुरुष थे, राष्ट्रपिता है, तो उनके उपलक्ष में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे गांधी जयंती का? गांधी जयंती पे यही मैं शुभकामना और आह्वान करूंगा कि जो उनके जीवन मूल्य थे अहिंसा परमो धर्म, छोटी छोटी बात में हिंसा भड़काना या हिंसा भड़कती है तो वो नहीं करनी चाहिए। जो भी ये अपना शांति से आंदोलन या विरोध करना है तो शांति से अपन कर सकते हैं। मैम, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे गांधी जयंती का? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो गांधी जी महापुरुष ने हम लोग को जो जो कहा है उनके मार्ग पे चलना चाहिए। जोशी जी, आपके हस्बैंड आपके साथ मिलके इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, 9,000 की मशीन 250 में जा रही है, तो किस तरीके से मुश्किल रही आपको करने के लिए? मुश्किल तो अभी जो कि भाई सोमैया ने जो हम लोग को सपोर्ट किया है और हम लोग ये कितने 2-3 महीने से ये मोदी जी के बर्थडे के हिसाब से 4 सप्ताह मनाने का है, हम लास्ट वीक में बेटियों को बच्चों को खुश किया, ये इसमें बुजुर्गों को कान का मशीन देके खुश कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और मानव सेवा ही प्रभु सेवा है और हम लोग को बस भगवान यही शक्ति दे कि ऐसे मानव कल्याण और पशु कल्याण के काम करते रहे। आपने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन से ये चलते हुए आ रहा है, तो कौन कौन से कैंप में आपने किया है अपना का कौन? हम लोग ने बुक वितरण किया है 1,000 बच्चे को, लोगों को, बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 100 बच्चियों को 5,000 रुपये का एजुकेशन अनुदान दिया है एजुकेशन के लिए और बाद में आज ये बुजुर्गों का किया है बुजुर्गों के लिए और नेक्स्ट दिवाली में हम लोग को साड़ियों का प्लान कर रहे हैं, साड़ी देने के लिए सोच रहे हैं और नेक्स्ट वीक में राशन किट भी है, जो जो गरीब लोग हैं उन नीडी लोगों उनको राशन किट देंगे 1,000 किट। अच्छा, तो मैम जैसे आपने कहा कि राशन किट, तो किस तरह से लोगों को पता चलेगा, कैसा फॉर्म वगैरह कुछ है? हाँ, फॉर्म है, सब में फॉर्म सिस्टमेटिक से सब भावेश जी जो काम करते हैं वो रिकॉर्ड में आना चाहिए और सिस्टमेटिक से कर रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प ही है लोगों की सेवा करने और इस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक जोश और नए उल्लास से करता है और यहाँ भावेश जोशी आज कान के मशीन का ही नहीं, भावेश जोशी और उनकी पूरी टीम पिछले 15 दिन से यहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे और कान के मशीन के साथ लोगों की सेवा के लिए आने वाले समय में हर तरह के उनको दवाई में मदद हो, उनको मेडिकल में मदद हो, उनको हर तरह की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों के सेवा करेंगे और भावेश जोशी और उनकी पूरी टीम का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। तो उसको खूब धन्यवाद देता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ समाज में काम कर रहे हैं, रूपा अभी हमारे दिकरी जैसी है, वो समाज में काम कर रहा है, अभी समझो ना कि नया नया आए लेकिन इतना आगे बढ़ गया है कि 1 साल में बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, वो भी काम कर रहे हैं और मेरी तरफ से खूब शुभेच्छा है कि और आगे काम करे, समाज का काम करे, हमारा जैन समाज का काम करे, पूरा मलाड का काम करे और बाद में इंडिया का तो करने का ही है लेकिन पहले मलाड का काम करे और समाज का काम करे। और यहाँ पर 250 में दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज के लिए कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, समाज का काम करने के लिए हर व्यक्ति अपने इतने पैसे जैसे 9,000 की 250 रुपये में दे रहे हैं, 250 रुपये में देने का भी कारण कोई पैसा 250 रुपये लेने का नहीं है लेकिन एक उस आदमी को उसका कुछ खुद का लगा हुआ रहता है तो उसको महत्व ज़्यादा देता है वो, और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में कहीं ना कहीं लोग करते हैं, उसमें हमारे भावेश भाई है, पत्नी है, ये लोग काम जो रूपा बहन है, ये लोग कर रहे हैं काम में, कई लोगों को काम आना चाहिए और पिछड़े समाज के जो मीडियम वर्ग के लोग हैं आज की महंगाई के ज़माने में उनको ऐसे दूसरे कई खर्चे होते हैं उसमें इस प्रकार की अगर मदद मिलती है तो समाज को इसमें एक अच्छा संदेश जाता है। एक भावेश जी का और हमारे भाभी जी का एक बड़प्पन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है उन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले से कहना है कि राष्ट्र प्रथम, बाद में पक्ष और बाद में मैं, तो मैं सबसे आखिर में आता है। और यही भावेश जोशी जी की विनम्रता है, उन्होंने खुद को पीछे रखा है और पक्ष का नाम बड़ा किया है। तो इस तरह से मलाड़ में भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर बढ़ते गया तो बहुत अच्छा होगा। समाज कल्याण के लिए मेरी विनंती सभी भारतीय जनता पार्टी के नागरिकों और कार्यकर्ता से है कि भावेश भाई और रूपा दोती जी, जो मेरे बड़े भाई भी है, मावे में हमारे साथ ट्रस्टी भी है, और समाज के कल्याण के लिए अगर ऐसे सारे काम होते हैं जैसे बेटी बचाओ हो, बेटी सुरक्षा का है और राशन किट का है, और इसके अलावा भी मेडिकल की बहुत सारी ऑपरेशंस की जो हमारे महावीर क्लिनिक की तरफ से व्यवस्था है, वो भावेश भाई लोगों को बहुत ही कम रेट में बाहर करवा के देते हैं, एक्साइड मतलब होते नहीं, एक सब्सिडाइज रेट में करवा के देते हैं। तो मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। देखा जाए तो मैं भावेश भाई को हार्डली 3-4 महीने से जानती हूँ, ना ही मैं बीजेपी पार्टी से हूँ या कोई भी पार्टी से हूँ, ना ही मैं इस मलाड वार्ड से हूँ, लेकिन जिस तरह से भावेश भाई के होल्डिंग्स लग रहे हैं और वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं लास्ट 1 महीने से कंटिन्यूसली, वो एवरी संडे समाज के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, वो भी अपने खर्चे से या पार्टी के जिस भी हिसाब से, लेकिन वो दे रहे, बोल रहे हैं और वही वो निभा रहे हैं। भावेश दोषी जी और रूपा मैडम की तरह वजह से हमको आज 9000 की मशीन 250 में मिल रही है, हियरिंग एड की मशीन। ऐसे काफ़ी कार्य उनके द्वारा हो रहा है कैंप में, उससे हमको बहुत खुशी है। ऐसे कार्य होते रहे और हम सब तकलीफ हमको दूर होवे।